पापियों को क्षमा करना और हम पर कृपा करना। तारा बगल में आंख बंद करके हाथ जोड़े खड़ी है। जब माँ प्रणाम करने के लिए झुकती है, तारा एक आंख खोलती है और धीरे से प्रसाद की थाली के लड्डू उठाने लगती है। तारा की माँ बगल से देख लेती है। फिर से प्रसाद चोरी करने लगी। कितनी बार कहा है, भूख बर्दाश्त करना सीखो। कल को शादी होगी तो ससुराल में कैसे निभाओगी? मैं नहीं जानती, आप तो जानती है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और रही बात ससुराल की, तो माँ अम्बे है ना मेरा साथ देने के लिए, हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे। अम्बे माँ ही तेरा बेड़ा पार लगाएंगी। अब तारा की शादी की विदाई हो रही है। इन्हें अपने पास रखना बेटी, ये हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगी। तारा माँ दुर्गा की मूर्ति लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। सुबह तारा तैयार होकर दुर्गा माँ को प्रणाम करते हुए, माता आप तो जानती हैं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, कहीं से कुछ खाने के लिए दिला दो। तभी उसकी नजर कमरे में रखे मिठाई के डब्बे पर पड़ती है। तारा खुशी से आंखें बड़ी करती है। धन्यवाद माँ, आपने मेरी सुन ली। तारा मिठाई का डब्बा खोलकर खाने लगती है। तभी उसकी सास कमरे में आ जाती है। हाय राम, इतनी सुबह खाने लगी, अभी तो घर में किसी ने कुछ खाया नहीं। सबसे पहले तूने ही पेट पूजा कर ली। तेरी माँ तो कहती थी तुम बड़ी माता की भक्त है। ये कौन सी भक्त है जो पूजा से पहले पेट पूजा करती है? तारा सिर नीचे करके सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है। तभी तारा की जेठानी ये सब सुनकर वहाँ आ जाती है। मैंने तो कही थी ना कि लड़की मोटी है, ये क्या ही घर संभालेगी, पर मेरी देवर जी ने सुनी नहीं, अब खुद ही देख लो। तारा ये सब सुनकर सिर झुकाए रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसकी माँ ने तो कहा था कि इसे खाने का शौक है, पर मुझे क्या पता था कि इतनी सुबह से ही शुरू हो जाती है। अब रो क्या रही है, चल नीचे पूजा करने। तारा, उसकी सास और उसकी जेठानी पूजा घर में खड़े हैं। तारा की जेठानी तारा के कान में, देवरानी जी नाश्ता लगने में थोड़ा वक्त बाकी है, इतनी देर भूख रोक लोगी ना? तारा सुनकर चुप खड़ी रहती है। तारा की सास दुर्गा माँ की ओर हाथ उठाकर, बोलो अम्बे मात की जय। तारा और उसकी जेठानी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तारा आज तो तुम बस फल खाओ, सेहत के लिए अच्छा होता है और वजन भी कम रहता है। अरे माँ जी, इनसे फलों पे कैसे रहा जाएगा, इनकी सेहत तो देखिए, हम दोनों का मिला के है। तारा चुपचाप बिना कुछ खाए बैठी रहती है। क्या भाभी, आप बहुत मजाक करती हैं। इसका आज पहला दिन है, खाने दीजिए शांति से। पहला दिन है तो क्या हुआ, इन्होंने तो अपनी पेट पूजा का इंतजाम कर रखा है पहले ही, क्यों देवरानी जी? और जेठानी फिर हंसने लगती है। देखो, एक जरूरी काम से मुझे आज शहर से बाहर जाना है, मैं कल सुबह ही आ पाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना और भाभी की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही मजाक करती है। तारा दबदबाई आंखों से हामी में सिर हिलाती है। तारा का पति उसके माथे को चूमता है और निकल जाता है। तारा माँ की दी हुई दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे बैठकर रो रही है। अम्बे माँ, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, फिर अब क्यों नहीं साथ दे रही? मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप ही मेरी मदद करेंगी, कृपा करो माँ, मेरी मदद करो। तारा रोते रोते वहीं सो जाती है। तभी एक तेज रोशनी होती है और एक दिव्य आवाज गूंजती है, उठो तारा, अपनी आंखें खोलो। तारा नींद से उठती है और अपनी आंखें खोलती है। माँ आप, उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वो हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करती है। तारा, मैं तुम्हारी आस्था से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए? माँ, मुझे इस भूख की वजह से बहुत ताने सहने पड़ रहे हैं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मुझे कभी भूख ना लगे और खाने की जरूरत ही ना पड़े, मैं बिना कुछ खाए रह सकूं। ऐसा ही होगा, आज से तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम कुछ खाए पिए बिना भी स्वस्थ जीवन जियोगे। तो रोशनी खत्म होती है और तारा अपनी नींद से उठती है।
ये मेरा सपना था या सच? क्या सच में मुझे वरदान मिला है? अभी देखती हूँ। तारा सामने रखे मिठाई के डब्बे को खोलती है। अरे मुझे तो सच में भूख नहीं लगी और अपनी मनपसंद मिठाई देखकर खाने की जरूरत ही नहीं लग रही। जय मामले, आपने मेरी सुन ली और मुझे वरदान दिया। आप बड़ी दयालु हैं। जय मां अंबे।